Hello everyone, this is Amandeep Singh. So in this video, we're going to discuss our next part of aptitude, which is based on time, speed, and distance. So what exactly time, speed, and distance topic is, let's understand. Mainly, isme different concepts honge. Different concepts, matlab ek hi cheez ko aapne alag alag tarike se use kiya hoga. And topic jo hai, wo bahut sari category mein divide ho jata hai fir. Yani pehle to hum baat karenge yahan pe time and distance basics ki, jo basic rules hote hain. Then we'll talk about the average speed. फिर हम बात करेंगे average speed की, and then हम बात करेंगे relative speed, problem on trains, boat and steam, races, circular tracks and clock. यानी topic जो है वो ये in categories में divided है, majorly eight categories हैं और उसमें सब categories आते जाएंगी, questions की variety बदलते जाएंगी, वो हम समझेंगे. So let's understand what exactly is basics. Basics क्या होते हैं इसको समझते हैं. सबसे पहले मुझे इतना बताइए कि अगर मान लेते हैं एक ऑब्जेक्ट है, वो ऑब्जेक्ट अगर आपने यहाँ रखा हुआ है और इसको आपने धक्का मारा ये ऑब्जेक्ट को और ये ऑब्जेक्ट यहाँ पे आ गया, राइट. या फिर मान लेते हैं ऐसा बोला हुआ है कि एक आदमी था वो इस पॉइंट पे खड़ा हुआ था और कुछ देर के बाद वो यहाँ पे आ गया. इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं इस ऑब्जेक्ट ने, इस आदमी ने कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस ट्रेवल किया है, राइट. और ये डिस्टेंस को ट्रैवल करने के लिए आई एम वेरी श्योर इसने कुछ ना कुछ टाइम भी लिया होगा. सो जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया है और जितना टाइम इसने लिया है, इसके अकॉर्डिंगली हम एक टर्म डिफाइन करते हैं, इसको हम बोलते हैं स्पीड. और स्पीड का मतलब क्या होता है? स्पीड का मतलब होता है डिस्टेंस ट्रैवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन वन यूनिट टाइम. सो डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन वन यूनिट ऑफ टाइम, इसको बोलते हैं स्पीड. So definition of speed is distance traveled by an object in one unit time. Now what exactly is one unit time, वो समझते हैं. आप मुझे इतना बताइए, मान लेते हैं कोई ऑब्जेक्ट है वो दो घंटे में अगर 120 किलोमीटर ट्रैवल करता है, अगर दो घंटे में 120 किलोमीटर ट्रैवल करता है तो क्या ऐसा बोल सकते हैं एक घंटे में 60 किलोमीटर ट्रैवल करेगा? और ये जो आपने 1 आवर की वैल्यू निकाल ली है, 1 आवर मतलब 1 यूनिट हो गया, अब ये 1 यूनिट ऑफ टाइम 1 आवर, तो स्पीड बन गई आपकी 60 किलोमीटर पर आवर, राइट. या सपोज मान लेते हैं ऐसा बोला एक ऑब्जेक्ट है, इसने 10 मिनट के अंदर टोटल 500 मीटर ट्रैवल किया. अगर 10 मिनट में 500 मीटर ट्रैवल किया तो ऐसा बोल सकते हैं कि 1 मिनट में इसी ऑब्जेक्ट ने 50 मीटर ट्रैवल किया होगा. सो आई कैन से स्पीड बन गया 50 मीटर पर मिनट. तो आप कर क्या रहे हो? आप 1 यूनिट की वैल्यू निकाल लो, यानी 1 आवर की वैल्यू निकाल लो या 1 मिनट की वैल्यू निकाल लो. तो डिस्टेंस ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन 1 यूनिट टाइम, दैट इज नोन एज द स्पीड. अल्टीमेटली ये क्या है? ये इस ऑब्जेक्ट की स्पीड ही है, राइट. और ये भी क्या है? ये इस ऑब्जेक्ट की स्पीड होगी, राइट. एग्जांपल चेंज करते हैं. ऐसा बोला है 5 सेकेंड्स में, 5 सेकेंड में अगर 15 मीटर ट्रैवल किया है तो 1 सेकेंड में कितना ट्रैवल किया कह सकते हैं? 3 मीटर पर सेकेंड. तो 3 मीटर पर सेकेंड आपका स्पीड बन गया. सो ये समझ में आ रहा है कि तीनों एग्जाम्पल में हमने करा क्या है, हमने डिस्टेंस को डिवाइड किया है टाइम से, राइट. अगर हम फर्स्ट केस की बात करें तो फर्स्ट केस में यहाँ पे 120 किलोमीटर था और ये 2 आवर्स थे, डिवाइड कर दिया 60 आ गया. देन उसके बाद 500 मीटर था, डिवाइड किया 10 मिनट से तो यहाँ पे कितना मिल गया? 50 मीटर मिल गया. और यहाँ 15 मीटर को डिवाइड किया 5 सेकेंड से तो क्या मिल गया? ये आपको मिल गया 3 मीटर पर सेकेंड. तो अल्टीमेटली कहने का मतलब ये है कि फॉर्मूला जो है आपका क्या बनेगा? फॉर्मूला बन जाएगा स्पीड का, दैट स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज डिफाइंड एज डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन 1 यूनिट टाइम. और निकालने का फॉर्मूला आपका बन गया डिस्टेंस डिवाइड बाय ये फॉर्मूला बनेगा. तो ये बेसिक फॉर्मूला आपका होता है स्पीड का, राइट. और अगर यही से अगर मैं बोलना चाहूं कि टाइम फाइंड करना है, सो टाइम फाइंड करना है इसका मतलब ये बोल सकते हैं कि डिस्टेंस को डिवाइड कर देंगे स्पीड से तो टाइम आ जाएगा, राइट. और इसी फॉर्मूले को मैं रीअरेंज किया तो कह सकते हैं अगर डिस्टेंस फाइंड करना है तो आई कैन से स्पीड इनटू टाइम बन जाएगा, राइट. तो बेसिक फॉर्मूला तो सेम ही है, दैट स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम. आपने उसको 3 तरीके से लिख दिया है, राइट. ऑलराइट, अब आप मुझे बताइए अगर हम स्पीड की बात करें तो स्पीड का फॉर्मूला आपका है डिस्टेंस अपॉन टाइम. डिस्टेंस को हम मेजर कर सकते हैं किलोमीटर में, टाइम को अगर मेजर किया आवर्स में तो आपकी स्पीड की यूनिट बन जाएगी किलोमीटर पर आवर. अगर आपने डिस्टेंस को मेजर किया माइल्स में और टाइम को मेजर किया आवर्स में तो आपकी स्पीड बन सकती है माइल्स पर आवर. या फिर अगर हम डिस्टेंस को मेजर किया मीटर में, टाइम को मेजर किया सेकेंड में तो मीटर पर सेकेंड बन सकती है. डिस्टेंस को मेजर किया आपने मीटर में, टाइम को मेजर किया मिनट में तो मीटर पर मिनट बन सकती है. ये तो कितनी भी यूनिट पॉसिबल है, जितने आप परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा सकते हो, जितने भी कॉम्बिनेशन आप बना सकते हो, सब पॉसिबल है, राइट. लेकिन हमें याद रखना है कि दो चीजें स्टैंडर्ड है.
अगर स्पीड की बात करें डी बाई टी है, तो अगर किलोमीटर पर आर में यूनिट दिया है तो आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना आना चाहिए, या अगर मीटर पर सेकंड दिया हुआ है तो आपको किलोमीटर पर आर में कन्वर्ट करना आना चाहिए, राइट। ये कैसे कन्वर्ट करेंगे वो समझते हैं। सपोज मान लेते हैं हमें बोला है कि एक ऑब्जेक्ट है, उसका स्पीड दिया हुआ है 36 किलोमीटर पर आर। बोला बताइए उसकी स्पीड मीटर पर सेकंड में कितनी है। तो अपने पास दो ऑप्शन है, या तो हम पूरा किलोमीटर को पहले कन्वर्ट कर लें मीटर में और आर्स को कन्वर्ट कर लें सेकंड में और फिर कैलकुलेट करें, अदरवाइज एक इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर आता है, उस मल्टीप्लाइंग फैक्टर का डेरिवेशन क्या है वो हम समझ लेते हैं और अगली बार से वो याद रखेंगे। सो लेट्स से आप मुझे बताइए अगर 1 किलोमीटर पर आर कितना है, अगर ये मालूम पड़ जाए तो 36 किलोमीटर पर आर निकालने के लिए आई विल सिंपली मल्टीप्लाई बाय 36। सो 1 किलोमीटर पर आर की बात करते हैं, इसको समझते हैं। 1 किलोमीटर इन एवरी आर, इसका मतलब हो गया 1000 मीटर ट्रैवल किया, क्योंकि एक किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं, और आपने लिया एक घंटा, एक घंटे का मतलब हो गया 3600 सेकेंड्स। आई होप कोई दिक्कत नहीं है इसमें, तो है ना, क्योंकि 1 आवर में कितने होते हैं मिनट्स, ये हो जाएंगे 60 मिनट्स, और 1 मिनट में कितने सेकेंड होते हैं, ये होते हैं 60 सेकेंड्स। तो अल्टीमेटली 1 आवर में कितने हो जाएंगे, 60 × 60 = 3600। तो यहाँ से सिंप्लीफाई किया तो 0 0 कट हो गया, तो आपको मिल क्या रहा है, आपको मिल रहा है 5/18 मीटर पर सेकेंड, यानी 1 किलोमीटर पर आपको जब कन्वर्ट किया मीटर पर सेकेंड में हमें 5/18 मिल गया। तो हमें ये फ्रैक्शन याद रखना है कि अगर 1 किलोमीटर पर आर दिया हुआ है तो वी कैन सिंपली से कि वो 5/18 मीटर पर सेकेंड होगा। और यहीं से फिर मैं ये बोल सकता हूँ कि 1 मीटर पर सेकेंड अगर बोला होता तो दैट विल बी 18/5 किलोमीटर पर आर, राइट। दो चीज़ें हैं याद रखना है कि अगर मुझे मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आर में जाना है तो मैं 18 में 5 का मल्टीप्लाई करूंगा, और किलोमीटर पर आर से अगर मीटर पर सेकेंड में जाना है तो आई मल्टीप्लाई बाई 5/18। सो ये क्वेश्चन की अगर बात करें, सो अगर 36 किलोमीटर पर आर है और वो मुझे कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में, सो 1 किलोमीटर पर आर 5/18 होता है। तो यहाँ सिंपली कर दीजिए 5/18 का मल्टीप्लाई, क्योंकि 1 किलोमीटर पर आर 5/18, तो 2 किलोमीटर पर आर कितना होगा, 2 × 5/18। तो 36 किलोमीटर पर आर क्या होगा, 36 × 5/18, 1s and 2s, दिस गिव यू 10 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब आपका स्पीड क्या बन जाएगा, 10 मीटर पर सेकेंड। तो 36 किलोमीटर पर आर बोलो या 10 मीटर पर सेकेंड बोलो, बात एक ही है, राइट। सो ये आपका बेसिक कन्वर्जन हुआ। हमें याद रखना है कि अगर किलोमीटर पर आर दिया हुआ है और किलोमीटर पर आर से अगर आपको मीटर पर सेकेंड में जाना है, व्हाट यू विल डू, यू विल मल्टीप्लाई बाय 5/18, और अगर मीटर पर सेकेंड दिया हुआ है, यू वॉन्ट टू कन्वर्ट इंटू किलोमीटर पर आर, तो करना पड़ेगा मल्टीप्लाई बाय 18/5। इस नॉर्मली क्वेश्चंस के अंदर हो सकता है आपको क्वेश्चन में किलोमीटर पर आर दिया हो, मीटर पर सेकेंड में ऑप्शंस दिए हो, या फिर क्वेश्चन में मीटर पर सेकेंड दिया हो और किलोमीटर पर आर में ऑप्शंस दिए हो, तो कन्वर्ट करना आपको आना चाहिए तुरंत 5/18, 18/5 याद रखिएगा, राइट। तो ये बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल हुआ, हाउ विल यू कन्वर्ट। सो पहला चीज हो गया फॉर्मूला, दूसरा चीज हो गया आपका कन्वर्जन। अच्छा, फॉर्मूले के ऊपर और बात कर लेते हैं ताकि आपको कमांड होनी चाहिए। तो एक चीज तो ये कि स्पीड का फॉर्मूला सबको पता होता है, डिस्टेंस निकालना है तो स्पीड इनटू टाइम कर देंगे, और टाइम निकालना है तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड कर देंगे, राइट। एग्जांपल ऐसा बोला है, मान लेते हैं डिस्टेंस दिया हुआ है 180 किलोमीटर, बोला 180 किलोमीटर जाना है और आपकी स्पीड दी हुई है 60 किलोमीटर पर आर की, तो आपको निकालना है टाइम। तो याद रखना है टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तुरंत आपका आना चाहिए आंसर कितना होगा, 3 आवर्स, है ना। और ये अगर वेरिएबल के टर्म्स में निकालना पड़ गया कि डिस्टेंस अगर डी है और स्पीड अगर एक्स की है, एक्स किलोमीटर पर आर, तो बोला बताइए टाइम कितना होगा, तो तुरंत निकलना चाहिए डी बाय एक्स इस टाइम। जरूरत पड़ेगी इस चीज की हमें आगे, तो याद रखिएगा, ठीक है। ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट वेरिएशन के बारे में बात करते हैं कि इनका लिंक क्या होता है, वेरिएशन क्या होता है। अगर मान लेते हैं ये डिस्टेंस एक पर्टिकुलर कॉन्स्टेंट था, है ना, लेट्स एक पॉइंट ए और एक पॉइंट बी है, ये फिक्स डिस्टेंस है। आप मुझे इतना बताइए कि अगर मान लेते हैं ऐसा बोला है 40 किलोमीटर पर आर की स्पीड से गए थे तो आपको 4 घंटे लग गए, बोला बताइए अगर 80 किलोमीटर पर आर की स्पीड से जाएंगे तो कितने घंटे लगेंगे। सो कॉमन सेंस कहता है अगर स्पीड डबल करी है टाइम होना चाहिए हाफ, तो हाफ कितना हो जाएगा, 2 आवर्स। और वी नो दैट कि आपको बोला है कि ए से लेके बी की ही बात कर रहे हैं हम, इसका मतलब फॉर्मूला होता है डिस्टेंस का स्पीड इंटू टाइम, दिस गिव यू 40 × 4, यानी फर्स्ट केस में आपको डिस्टेंस मिल रहा है 160 किलोमीटर, वो सेम ही रहना चाहिए ना, बिकॉज ए और बी फिक्स पॉइंट ही हुए हैं, यहाँ भी कितना आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है 160 किलोमीटर। यानी आई कैन राइट स्पीड की बात करें तो स्पीड का रिलेशन टाइम से कौन सा होता है, इनवर्स, है ना। इनवर्स का मतलब होता है कि एक बढ़ेगा दूसरा कम हो जाएगा, और जब इनवर्स वेरिएशन होता है सो आई कैन से कि S1 × T1 जो होगा
वो एस टू इंटू टी टू के बराबर होगा। स्पीड का मल्टीप्लाई टाइम के साथ हमेशा कॉन्स्टेंट रहने वाला है फॉर पर्टिकुलर डिस्टेंस। कब करना है ये? जब डिस्टेंस कैसा हो, जब डिस्टेंस कॉन्स्टेंट हो, डिस्टेंस बढ़ना नहीं चाहिए, तभी तो कॉन्स्टेंट, तभी तो ये लिंक लिख सकते हैं, बिकॉज वेरिएशन करने के लिए, लिखने के लिए यहाँ पे कुछ ना कुछ हमें कॉन्स्टेंट चाहिए होता है। सो एस वन इंटू टी वन इक्वल टू एस टू इंटू टी टू है, आई कैन राइट एस वन अपॉन एस टू। स्पीड का जो रेशियो आएगा वो टाइम के रेशियो के इनवर्स होगा, राइट। सो एस वन बाई एस टू जो होगा वो टी टू बाई टी वन होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको स्पीड का रेशियो मालूम है तो टाइम का जो रेशियो होगा वो उसके इनवर्स पे डिपेंड करेगा। एग्जाम्पल, अगर दो लोगों की स्पीड का रेशियो 2:1 है तो इनका टाइम कितना होगा? 1:2, राइट। कॉमन सेंस है, बिकॉज स्पीड पहले वाले की डबल है और तो दूसरे वाले का टाइम स्पीड कम है, तो अगर पहले की स्पीड डबल है तो टाइम कम होना चाहिए था। वो इसको यहीं से देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, अगर इसको मैं एस वन मानता हूँ, इसको मैं टी वन मान लेता हूँ, और इसको अगर मैं टी टू लेता हूँ, एस टू लेता हूँ, और इसको टी टू लेता हूँ, तो बताइए इस केस में एस वन बाय एस टू कितना आ रहा है? इस केस में एस वन बाय एस टू आ रहा है 40/80, यानी कि 1/2। और यहाँ पे टी टू बाय टी वन निकालना पड़ेगा, टी टू बाय टी वन भी 1/2 आएगा, तो उल्टा करेंगे तो इक्वल कर सकते हैं। आई कैन राइट स्पीड का रेशियो टाइम से हमेशा उल्टा होता है, यू कैन राइट एस वन टी वन हमेशा बराबर होगा एस टू टी टू के, और यू कैन से एस वन बाय एस टू जो होगा वो टी टू बाय टी वन होगा, इनवर्स रेशियो होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, याद रखना। टिपिकल क्वेश्चन के अंदर कई बार जब लॉजिक लगाएंगे तो इसका बहुत ज्यादा जरूरत आएगा, ठीक है। सो अभी तक अपन ने जो पढ़ा उसके बेस पर कुछ क्वेश्चन ट्राई करते हैं, और ये क्वेश्चन जो होगा ये अपन ट्राई करेंगे अलग अलग मेथड लगा के वो समझते हैं। सो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन का, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। अ मैन ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। अ मैन ट्रेवल फ्रॉम ए टू बी विद द स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, ओके, एंड रिटर्न विद द स्पीड ऑफ 60 किलोमीटर पर आवर, और 60 की स्पीड से वापस आता है। फाइंड द डिस्टेंस ए बी इफ टोटल ट्रेवलिंग टाइम इज 10 आवर, ओके। सो पहली बात तो ये क्वेश्चन करने के बहुत तरीके हैं, है ना, मतलब जिन लोगों को थोड़ा बहुत भी बेसिक अगर आता है तो ये क्वेश्चन को क्रैक करने के लिए वो एवरेज स्पीड का यूज भी कर सकते हैं, है ना। और एवरेज स्पीड फिलहाल इसके इसमें 50 तो नहीं है। जिन लोगों को कॉन्सेप्ट पता है वो लोग इसे बहुत तरीके से कर सकते हैं। तो पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट के बारे में बात करेंगे कि बेसिक कॉन्सेप्ट क्या यूज करने वाले वो समझते हैं। बेसिक कॉन्सेप्ट से मेरा मतलब है बेसिक फॉर्मूला। सो लेट्स से ये आपको बोला हुआ है कि ये पॉइंट ए है और ये पॉइंट आपका बी है, और एक आदमी है ए से लेके बी जाता है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से, और जब वो वापस आया तो वापस आते टाइम उसकी स्पीड थी 60 किलोमीटर पर आवर। आपको बोला बताइए डिस्टेंस क्या होगा अगर टोटल ट्रैवलिंग टाइम आपको दिया हुआ है 10 घंटे। सो एक चीज याद रखना कि यूजुअली जो क्वेश्चंस होते हैं टाइम एंड डिस्टेंस के, उसमें इक्वेशन कैसे बनेगा? इक्वेशन बनाने का तरीका होता है ये वाला डिस्टेंस प्लस ये वाला डिस्टेंस इज इक्वल टू ये डिस्टेंस। मतलब यहाँ तो डिस्टेंस कंपेयर करना पड़ता है या फिर कंपेयर करना पड़ता है टाइम, कि ये वाला टाइम प्लस ये वाला टाइम इक्वल टू टोटल टाइम, या सिंपल टाइम कंपेयर हो जाएगा या सिंपल डिस्टेंस कंपेयर हो जाएगा, राइट, याद रखिएगा। सो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की तो यहाँ पे हम जो तरीके लगाएंगे उसमें हम पहले काम करते हैं, हम डिस्टेंस को कंपेयर करेंगे और टाइम को कंपेयर करेंगे, दोनों समझते हैं। सो लेट्स फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड कि मान लेते हैं डिस्टेंस आपका डी है और आपको ये बोला हुआ है कि डिस्टेंस डिफाइन कीजिए। अब आप मुझे बताइए, अगर डिस्टेंस डी है और अगर हम 40 की स्पीड से आते हैं तो कह सकते हैं टाइम जो लगेगा ए से बी जाने के लिए वो लगेगा डी अपॉन 40, ऐसा बोल सकते हैं? ये टाइम का फॉर्मूला क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और जो टाइम लगेगा बी से ए आने के लिए, इसलिए मैंने टी बी ए लिखा है समझाने के लिए, राइट, ये टाइम आपका आएगा डी बाय 60। लेकिन आपको तो मालूम है कि टोटल ट्रैवलिंग टाइम 10 घंटे था, सो बहुत इजीली हम इक्वेशन बना सकते हैं कि बी अपॉन 40 प्लस डी अपॉन 60 इज इक्वल टू कितना आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा 10 आवर्स। सॉल्व करेंगे इसका एलसीएम आ जाएगा 120, आपको मिलेगा यहाँ पे 3D + 2D, मतलब 5D इज 10, तो डी आपका आ गया 240 किलोमीटर, मतलब डिस्टेंस जो रहा होगा वो 240 किलोमीटर का रहा होगा, ऐसा बोल सकते हैं? तो ये बिल्कुल एक तरीका हुआ बेसिक, ठीक है। फिर अगर बात करें सेकेंड वेरिएशन क्या हो सकता है, सेकेंड तरीका इसका ये हो सकता है कि आपको मालूम है डिस्टेंस ए बी फाइंड करना है, राइट, यहाँ से आप गए थे 40 किलोमीटर की स्पीड से और वापस आप आए थे 60 किलोमीटर की स्पीड से। चलो मान लेते हैं अगर जो टोटल 10 घंटे थे, उस 10 घंटे के अंदर जो जाने का लगा टाइम ए से बी के, ए से लेके बी, वो टी था, तो बताइए वापस आने में जो लगा होगा टाइम वो क्या होगा? वो होगा 10 - t। तो जाने वाला टाइम हो गया टी, आने वाला टाइम हो गया 10 - t, और आपको मालूम है स्पीड का मल्टीप्लाई टाइम के साथ जो आएगा वो हमेशा इक्वल आने वाला है। तो आई कैन सिंप्लीफाई इट लाइक दिस, 40 = 60 - 60
दिस गिव यू 10 t इज 60 और t आ गया 6 hours. मतलब आपको जाने में लगते हैं 6 घंटे और आप गए कौन सी स्पीड से थे, गए थे आप 40 की स्पीड से, देयरफॉर डिस्टेंस हो जाएगा 40 इनटू 6, दिस गिव यू 240 किलोमीटर. सेकंड तरीका हो गया राइट. दो तरीके तो आपने देख लिए, एक तो इसमें आपने डिस्टेंस को कंपेयर किया था राइट, जैसे पीछे क्वेश्चन में क्या किया था, डिस्टेंस यूज किया डी बाई 40 प्लस डी बाई 60 इज 10 और यहाँ पे आपने क्या करा, आपने डिस्टेंस को इक्वेट किया, टाइम इंटू स्पीड डिस्टेंस हो गया, टाइम इंटू स्पीड डिस्टेंस हो गया, इस कॉन्सेप्ट का यूज कर लिया. थर्ड कॉन्सेप्ट की अगर बात करें तो इतना मालूम है कि थर्ड मेथड की कि इतना कंफर्म है कि जो डिस्टेंस ट्रेवल किया जा रहा है वो कांस्टेंट है ना, जितना जा रहे हैं उतना ही वापस आ रहा है. तो ऐसे क्वेश्चन के अंदर ये बोल सकते हैं डिस्टेंस अगर बराबर है तो स्पीड जो है उनका रेशो क्या आ रहा है, भैया स्पीड का रेशो आ रहा है 4:6, मतलब कह सकते हैं 2:3. अगर स्पीड का रेशो 2:3 है, इसका मतलब है जो टाइम लगा होगा आने में वो क्या रहा होगा, वो रहा होगा 3:2. और थोड़ा भी अगर रेशो अच्छे से आता है तो इतना मालूम है कि टोटल 10 घंटे हैं और 3:2 का टाइम है, मतलब जाने के लगे होंगे 6 घंटे, आने के लगे होंगे 4 घंटे. सॉल्व हो गए क्वेश्चन. और अगर जाने के लगे थे 4 घंटे 40 की स्पीड से तो डिस्टेंस कितना रहा होगा, डिस्टेंस रहा होगा 240 किलोमीटर राइट. तो क्वेश्चन करने का तरीका ये भी हो सकता है राइट. अब इस क्वेश्चन में मैं फिर से आऊंगा जब मैं आपको एवरेज भी पढ़ा दूंगा, बट फिलहाल ये रखिएगा, एक तरीका अपन ने डी बाई 40 प्लस डी बाई 60 इक्वल टू 10 लिया, टाइम को ब्रेक किया, जाने वाला टाइम प्लस आने वाला टाइम इज टोटल टाइम. सेकेंड में आपने डिस्टेंस को इक्वेट किया कि जो जितना डिस्टेंस गए थे उतना डिस्टेंस वापस आए हैं. और थर्ड में आपने रेशो का यूज किया कि रेशो ऑफ स्पीड जो होनी चाहिए वो रेशो ऑफ टाइम के इनवर्स होनी चाहिए राइट. सो लेट्स मूव ऑन द नेक्स्ट क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ मैन ट्रेवल टोटल ऑफ 61 किलोमीटर इन 9 hours पार्टली ऑन फुट एंड रिमेनिंग ऑन बाइसिकल. एक आदमी टोटल 61 किलोमीटर ट्रेवल करता है और 61 किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए 9 घंटे लगाता है ठीक है. फिर आपको बोला हुआ है कि डिस्टेंस कितना चला होगा उसने पैदल, अगर पैदल चलने वाली जो उसकी स्पीड है वो 4 किलोमीटर पर आ रहा है और बाइसिकल वाली जो स्पीड है वो 9 किलोमीटर पर आ रहा है, ऐसा कुछ दिया हुआ है. सो क्वेश्चन कैसे क्रैक होगा ध्यान से देखिए. क्वेश्चन को पहले बनाते हैं, फिगर ड्रॉ कर लेते हैं तो थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगा कि एक्चुअली हो क्या रहा है. हो ये रहा है कि एक आदमी है जो 61 किलोमीटर ट्रैवल कर रहा है और मान लेते हैं वो ए से लेके बी जा रहा है और सी पॉइंट तक वो पैदल चलता है बिकॉज बोला है सम पार्ट ऑन फुट एंड रिमेनिंग ऑन बाइसिकल. तो जब पैदल आया था उसकी स्पीड थी 4 किलोमीटर पर आवर की और जब बाइसिकल पे गया था तो उसकी स्पीड थी 9 किलोमीटर पर आवर, ऐसा कुछ दिया हुआ है. सो आप मुझे इतना बताइए, अगर ऐसा कुछ इन्फॉर्मेशन हमें पता हुआ है ऑलरेडी, बोले बताइए कितना डिस्टेंस से पैदल चला, ये एक्स निकालना है. सो टोटल 9 घंटे भी हमको दिया हुआ है कि टोटल 9 hours ट्रेवलिंग के लगे. तो पहले तो काम करते हैं, पैदल वक्त चलने वाला टाइम और बाइसिकल से लगने वाला टाइम, ये टाइम आना चाहिए टोटल मिला के 9 घंटे. सो टाइम ड्यूरिंग वॉकिंग प्लस टाइम ड्यूरिंग ऑन बाइसिकल इज इक्वल टू 9 hours आना चाहिए. सो वॉकिंग वाला टाइम कैसे निकालेंगे, टाइम का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस है एक्स, स्पीड है 4 की राइट. उसके बाद टोटल अगर 61 था तो डिस्टेंस बचा 61 माइनस एक्स, तो यहाँ आ जाएगा 61 माइनस एक्स अपॉन 9 इज इक्वल टू आ जाएगा 9 घंटे राइट. तो करा क्या करा हमने, ये कि पहले वॉकिंग वाला टाइम निकाल लिया और फिर निकाल लिया साइकिल वाला टाइम, इनको ऐड करके आना चाहिए 9 घंटे. इसका एलसीएम हो गया 36, आपको मिलेगा 9x, 4 टाइम्स किया तो 244 और ये हो गया माइनस के 4x इज इक्वल टू 9, दिस गिव यू 5x प्लस 244 इज इक्वल टू 324. सो 5x की वैल्यू आ गई 80, 44, 24 करेंट 80, तो x का वैल्यू कितना आ जाएगा, x आ जाएगा 16 किलोमीटर. इसका मतलब इस आदमी ने 16 किलोमीटर जो है वो उसने पैदल चला है, ऐसा बोल सकते हैं. ये क्वेश्चन का तरीका हो गया करने का. फिर तरीका और अगर देखें तो ये तरीका बोल सकते हैं कि टोटल अगर 9 घंटे है, सो 9 घंटे में मान लेते हैं जो उसने वॉक किया है, वॉक किया मान लेते हैं टी आर्स के लिए, और मान लेते हैं जो बाइसिकल से गया है वो गया है 9 माइनस t. वॉकिंग के टाइम उसकी स्पीड थी 4 किलोमीटर पर आवर और बाइसिकल पर उसकी स्पीड थी 9 किलोमीटर पर आवर. सो कैन राइट कि बाइसिकल और पैदल, यदि वॉक करा हुआ डिस्टेंस और बाइसिकल से चला हुआ डिस्टेंस, ये टोटल डिस्टेंस कितना आना चाहिए, ये आना चाहिए 61 किलोमीटर. बस इसी का यूज कर लेते हैं. तो स्पीड निकालने का तरीका, सॉरी डिस्टेंस निकालने का तरीका हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम, और यहाँ आ जाएगा स्पीड इंटू टाइम और ये आना चाहिए 61 किलोमीटर. कोई दिक्कत नहीं है इसमें, है ना, कि स्पीड थी 4 की और टाइम था t और स्पीड है 9 की और टाइम है 9 माइनस t, तो इनका मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने,
यहां से आपको मिल जाएगा 20 इज इक्वल टू 5 t, यानी t आ गया 4 hours, यानी आपको जाने के लगते हैं, पैदल जाने के लगते हैं 4 घंटे, और अगर 4 hours लगते हैं और 4e की आपकी स्पीड थी तो कैन आई राइट देयरफॉर डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस आपका आ जाएगा 16 किलोमीटर, तो डिस्टेंस आपका हो जाएगा 16 किलोमीटर। सो इस तरीके से आप निकालेंगे, या तो आपने क्या करा, ये डिस्टेंस प्लस ये डिस्टेंस इक्वल टू ये डिस्टेंस, या आप करेंगे ये वाला टाइम प्लस ये वाला टाइम इक्वल टू टोटल टाइम, राइट। तो दो तरीके बताया आपको इसमें। इसमें जो लोगों ने मिक्सचर्स का टॉपिक पढ़ा हुआ है वो इस क्वेश्चन को मिक्सचर की हेल्प से भी, एलिगेशन के रूल से भी सॉल्व कर सकते हैं, वो हम फिर कभी बात करेंगे जब हम स्पेसिफिकली शॉर्टकट की बात करेंगे तो तब देखेंगे, लेकिन फिलहाल ये दो तरीके याद रखना है अपने को। ऑलराइट, सो ये बिल्कुल हुए बेसिक कॉन्सेप्ट। तो कॉन्सेप्ट कौन कौन से कवर किए अपन ने, सबसे पहला कॉन्सेप्ट कवर किया स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, राइट। ये हमको मालूम है कि बेसिक फॉर्मूला आपका आ गया स्पीड का, दैट स्पीड का मतलब हो गया डिस्टेंस ट्रैवल बाय एन ऑब्जेक्ट इन 1 मिनट टाइम, दिस इज परफेक्टली फाइन। देन किलोमीटर पर आर से कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो मल्टीप्लाई 5/18 का, मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आर में जाना है तो 18/5। देन 36 किलोमीटर पर आर दिया है, उसे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा कैसे, 5/18 का, और यहाँ करना पड़ेगा 36 का हो जाएगा स्ट्रेट अवे 36 × 5/18, दिस गिव यू 10 मीटर पर सेकेंड, और 15 मीटर पर सेकेंड कन्वर्ट करना है, इसका मतलब है करना पड़ेगा 18/5 का मल्टीप्लाई, दिस गिव यू 54 किलोमीटर पर आर, राइट। एंड फिर हमने देखा कि रेशो ऑफ स्पीड जो होता है वो रेशो ऑफ टाइम के इनवर्स होता है, याद रखिएगा, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, अब बहुत इंपॉर्टेंट चीज पे आते हैं अपन, ध्यान से देखिएगा, याद रखिएगा कि अगर ऐसा बोला हुआ है कि रेशो ऑफ स्पीड अगर 2:3 है तो बताइए रेशो ऑफ टाइम क्या होगा, तो रेशो ऑफ टाइम हो जाएगा 3:2, कोई दिक्कत ही नहीं इसमें। दिक्कत तो तब आएगी जब आपको 3 लोग दिए होते हैं, ऐसा बोला होता रेशो ऑफ स्पीड अगर 1:2:3 है तो बताइए फिर रेशो ऑफ उनका टाइम पीरियड क्या होगा फॉर अ पर्टिकुलर डिस्टेंस, तो 3:2:1 नहीं होगा, याद रखिएगा। ये इनवर्स करना होता है, अगर स्पीड का रेशो a:b तो टाइम का रेशो 1/a 1/b, जो सिंप्लीफाई होकर बन जाएगा 2:b। तो जब 3 लोग आएंगे तो आपको इनवर्स करना है 1/1, 2 का उल्टा 1/2 और 3 का उल्टा 1/3, मल्टीप्लाई किया इसके एलसीएम से, बिकॉज रेशो कभी भी फ्रैक्शन में नहीं आता है। डिनोमिनेटर का एलसीएम हो गया 6, तो 6 का मल्टीप्लाई करती है आपको मिल गया 6:3:2, ये रेशो होगा रेशो ऑफ द टाइम। तो 3 लोगों में याद रखिएगा कि 3 लोग अगर दिए होते तो रेशो ऑफ स्पीड अगर आपको पता है ABC, तो रेशो ऑफ टाइम क्या हो जाएगा, अगर a:b रेशो ऑफ स्पीड है तो रेशो ऑफ टाइम हो जाएगा 1/a 1/b 1/c। इस तरीके से ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन होगा कि अगर टाइम का रेशो निकालना है, स्पीड का पता है, इस टाइप से फाइंड कर सकते हैं। इज इट ओके, परफेक्ट।